Assalamualaikum and hello everyone. I hope कि आप सब रमज़ान अच्छा गुजर रहा हो. आज जो डिश आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो हमें बहुत सारे काम से बचा लेगा, क्योंकि वो हम एज अ मील एज अ प्लेटर बनाएंगे. मेन कोर्स एक फ़िश की डिश है, उसका नाम है केजन फिश. उसके साथ हम कुछ और चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो हमें इफ्तार पे और खानों पे बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं उससे हम बच सकें. तो चलिए हम अपनी डिश स्टार्ट करते हैं. चलिए हम सबसे पहले केजन स्पाइसेस बना लेते हैं. इसके लिए मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई थाइम, 1 टीस्पून ड्राई ऑरिगैनो एंड 1 टीस्पून अनियन पाउडर. चलें इसको एक मिक्स दें. लग गई हमारी केजन स्पाइसेस. इसको किसी आप एयर टाइट जार में बंद करके रख दें और जब भी आपको ज़रूरत हो कुछ भी बनाने के लिए तो ये स्पाइसेस आप यूज़ करें. हम थोड़ी थोड़ी तो नहीं बना सकते, लेकिन एक साथ हम बना कर एयर टाइट जार में इसको काफ़ी अर्से के लिए रख सकते हैं. ये ऑल मिक्सअप हो गया. चलिए तो अब हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करते हैं. चलिए तो हम अपने स्पाइसेस यूज़ करते हैं, अपनी फ़िश को मैरिनेट करते हैं. मैंने यहाँ पर 2 पीसेस ऑफ फ़िश लिए है, थोड़े बड़े पीसेस हैं. आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़िश ले सकते हैं. मैंने यहाँ तिलापिया लिया है, तो यहाँ मैं डालूँगी ऑलमोस्ट 2 टीस्पून, क्योंकि हमारे घर में सब स्पाइसी पसंद करते हैं. चलें हम इसको एक बहुत मज़ेदार सा मसाले देते हैं ताकि सारे मसाले की कोटिंग अच्छी से हो जाए. ये देखें हमारी फिश में मैरिनेशन अच्छी तरह हो गई. अब इसको आप रखें साइड पे. अब हम दूसरे काम की तरफ चलते हैं. पहले हमारी मैरिनेट हो गई. यहाँ मैंने लिया है कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली और कैप्सिकम. आपके पास जो भी वेजिटेबल हो और जो आपको अच्छा लगता हो, फैमिली को अच्छा लगता हो, आप वो ले लें. अब हम इन्हें क्लीन और कट करेंगे और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है. केजन फिश को मैं अपने इलेक्ट्रिक ग्रिलर पे बनाने वाली हूँ. उसको मैं ऑन करूँगी, 3 पे रखूँगी ताकि हम अपनी फ़िश को ग्रिल करने से पहले इसको प्री हीट कर लें. तो चलिए ये जब तक प्री हीट हो रहा है हम अपने दूसरे काम को कर लेते हैं. आप एक पैन लें, आप उसमें डालें 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल. ऑयल देखें गरम हो गया थोड़ा बहुत. आप इसमें डालें राइस. मैंने यहाँ पर 1.5 कप ऑफ राइस लिया है. आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लें. तो हल्का फुल्का सा हिलाएं. अब आप इसमें डालें 3 कप्स ऑफ वाटर. मैंने इस पानी में 1 क्यूब ऑफ चिकन भी डाला है तोड़ के. आप इसको अगर चाहे तो डाल सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है. राइस हमने पकने के लिए रख दी है और ये फिश भी मैंने इस ग्रिल पैन में लगा दिए हैं. अब ये 5-6 मिनट के अंदर ये फिश भी ग्रिल हो जाएंगे. तो चलिए हम जल्दी जल्दी अपनी वेजिटेबल्स का काम कर लेते हैं ताकि हम तीनों चीज़ें एक साथ प्लेटर में निकाल सकें. यहाँ हमने एक छोटी सी पतीली में थोड़ा सा पानी लिया है इसके अंदर और इसको गर्म कर रहे हैं. और इधर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टीमर यहाँ पर मिलता है. अगर आपके पास बड़ा स्टीमर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स जो हमने कट किए थे वो डालें और अब ये स्टीमर मैं इसके अंदर रखूँगी. तो चलें हमारे वेजिटेबल्स भी स्टीम हो रहे हैं. जैसे ही इस पर स्टीम जमा हो जाए आप इसके चूल्हे को लो कर दें, ये फटाफट स्टीम हो जाएगा. चलें अब हम अपनी फिर से फिश को देख लेते हैं कि उसकी क्या हालत है. अब ये डन नहीं हुई, इसको थोड़ी देर और रखते हैं. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ग्रिल पैन नहीं है तो जो भी ग्रिल है आपके घर में वो कर लें. अगर ग्रिल पैन नहीं है चूल्हे वाला भी तो फिर आप नॉर्मल तवे पे भी इसको बना सकते हैं, वैसे ही बहुत अच्छा बनता है. चलिए जी हमारी राइस डन हो चुकी है. सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं. हम अपना पूरा एक प्लेटर बना रहे हैं. अब हम अपने स्टीम वेजिटेबल्स देख लेते हैं. डन हो गए.
सिर्फ एक दो मिनट में ही डन हो जाते हैं। इनको भी निकाल लेते हैं। चलिए तो अब हम अपनी फिश देख लेते हैं। ये देखें इतनी ज़बरदस्त सी ग्रिल हो गई। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी फिश ग्रिल हो गई। अब इसको इस पे रखें। ये लें हमारी प्लेटर रेडी है। तो ये लीजिए जनाब हमारी फ़िश प्लेटर रेडी है। इसमें सब कुछ इतना न्यूट्रिशियस है और इतना ही टेस्टी है। आप केजन फिश ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाएं, अपनी पूरी फैमिली को खिलाएं। पूरा प्लेटर फटाफट तैयार कर लें, तीनों चीज़ें एक साथ चढ़ा दें और कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं। साथ चाहें तो कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी केजन फ़िश कैसी बनी। थैंक यू।